बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बटर क्रीम फ्रोस्टिंग। और इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें बटर चाहिए हमें, और बटर है हमारे पास 300 ग्राम के करीब, और मिल्क हमारे पास है और ये हमें चाहिए होगा 1 से 2 चम्मच। और हमें जो कलर जिस कलर की हमने फ्रोस्टिंग बनानी है, मैं यहाँ पर रोज़ पिंक कलर की बना रही हूँ, तो मेरे पास रोज़ पिंक कलर है। और वनीला एसेंस हमें चाहिए तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। और बटर हमारे पास 300 ग्राम है, तो शुगर आइसिंग शुगर मैं लूँगी, और ये डबल क्वांटिटी में होगी। अगर 300 ग्राम बटर है तो 600 ग्राम मेरे पास आइसिंग शुगर है। तो सबसे पहले हम बटर डालकर उसको बीट करेंगे। 1 मिनट अभी ऑन नहीं करना। जी, बस हमने इसमें बटर डाल दिया है अपने बाउल में और इसको हम बीट कर रहे हैं, और साथ साथ मैं थोड़ी थोड़ी सी शुगर, आइसिंग शुगर इसमें डाल के बीट करती जाऊंगी इसको। थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर हम डालेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। इतना बीट करना है कि क्रीमी हो जाए। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे चंद कतरे। ये मैंने चंद कतरे वनीला एसेंस डाल दिए इसमें। और इसमें शुगर डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। हम इसमें जी, तो व्यूअर्स अब हम इसमें थोड़ी सी शुगर और डालेंगे और फिर इसे बीट करेंगे। ये देखें, ये हमने इसमें सारी शुगर, आइसिंग शुगर डाल दी है और इसको बीट किया है। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। बस अभी हम इसमें थोड़ा सा मिल्क, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। अभी हम इसमें एक कतरा ये वाला कलर ऐड करेंगे, ये पिंक रोज कलर है, ये ऐड करेंगे इसमें। जी, तो व्यूवर्स ये हमने क्रीम को अच्छी तरह बीट कर लिया है बटर को, और ये क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है इसका। अभी हम इसमें थोड़ा सा अपनी पसंद का कलर ऐड करेंगे, और ये मैं तकरीबन 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप के करीब मैंने कलर डाला है। और अब मैं दोबारा से इसको बीट करूँगी ताकि कलर अच्छा सा इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब हम इसे स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से एक दफा चलाएंगे। ये
बस ये देखिए, ये हमारी बटर क्रीम रेडी है, अपने केक पे अप्लाई कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये हमारी क्रीम रेडी हो गई थी और हम इसको अब केक पे अप्लाई कर रहे हैं। ये इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे इसको। ये हम इस तरीके से रोज बनाएंगे इस पे। जी तो व्यूवर्स, ये देखें, ये हमारा केक रेडी हो गया है और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।